गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एल्किनों की प्रिपरेशन मेथड से क्या एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड से एल्कीन की रिएक्शन कराई थी और फॉर्मेशन किया था एल्किल हैलाइड, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने फॉर्मेशन किया था। फ्रॉम एल्किनों से रिएक्शन चल रही थी जिनमें हमने सिमेट्रिक एल्किन और नॉन सिमेट्रिक एल्किन को इन्वॉल्व किया था। सिमेट्रिक एल्किन आपको एक्सप्लेन की गई थी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड कार्बन एटम पर सेम होते हैं, देन एल्किन कॉल इज सिमेट्रिक एल्किन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड कार्बन पे सेम नहीं होते हैं, दैट इज कॉल अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो इस केस में अपन सिमेट्रिक एल्किन और अनसिमेट्रिक एल्किन को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट ही रिएक्शन लिखने वाले हैं और उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन के साथ साथ कैसे उसकी मैकेनिज्म हुई है विद मैनर स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप अपन रिएक्शन देखें। एक बार फिर से मैं नंबर 8 पे आपकी रिएक्शंस को इन्वॉल्व कर देता हूँ, और रिएक्शन की इन्वॉल्वेशन में हम कहते हैं कि नंबर 8 पे हम डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम एल्किनों से। 7 मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन्स में आपको सिमेट्रिक एल्कीन बता दिया गया था, अब मैं यहाँ पर अनसिमेट्रिक एल्कीन को कंसीडर कर रहा हूँ और आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन अपन HCl के साथ कराते हैं। किसके साथ? HCl के साथ। तो ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी? आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि ये रिएक्शन होती है मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग। मार्कोनी कॉफ रूल साइंटिस्ट नेम से है, मार्कोनी कॉफ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था कि अनसिमेट्रिक एल्कीन में जब भी रिएक्शंस कराते हैं तो रिएक्शन कराने से क्या फॉर्मेशन होगा। तो व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद अनसिमेट्रिक एल्कीन देन फॉर्म सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, मींस हैलोजन एटम उस कार्बन पे जाके बॉन्डेड होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है? इस पर। तो ये हैलोजन एटम कहाँ जुड़ जाएगा? इस कार्बन पे बॉन्डेड हो जाएगा। क्लियर? तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो होगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CN, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, ये आपका। तो ये जो कंपाउंड बना है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये क्या है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर? तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है? मार्कोनी कॉफ। और 2 डिग्री क्यों है? हैलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो नियरेस्ट 2 कार्बन से बॉन्डेड है, दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखें कि इसमें बॉन्ड ब्रेकेशन कैसे हुआ। भी तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया कि मार्कोनी कॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन मार्कोनी कॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं अपन? इसकी मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। तो कैसे बॉन्ड ब्रेकेशन होगा वो यहाँ पर अपन एक बार देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म जो होगी इसकी, मैकेनिज्म होती है वो आयनिक मैकेनिज्म होती है। आयनिक मैकेनिज्म पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट फॉर्मेशन होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम HCl को ब्रेकेशन करते हैं। स्टेप फर्स्ट में HCl को हमने ब्रेकेशन किया तो HCl में हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोलिटी ज़्यादा होने से ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, तो इस पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हैलोजन एटम पे तो क्या गया? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे हाइड्रोजन पे क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोलिटी किससे ज़्यादा है? हाइड्रोजन से। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी साइड ले जाएगा, और जब ले गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है ना, क्यों इलेक्ट्रॉन डिग्री ज़्यादा है इसकी कम है, वो सब 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक में अपन ये चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नहीं है तो आप फिर भी एक बार 11th के टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। स्टेप सेकंड की बात करें तो स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड में ये जो हाइड्रोनियम आयन बना है H प्लस बना है, इस H प्लस का अटैक कराते हैं अपन किस पे, एल्कीन पे। एल्कीन कौन है हमारी, प्रोपीन CH3CH2। और यहाँ पर मैं इसकी दो प्रायोरिटीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितनी दो प्रायोरिटीज यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है। अब वो दो प्रायोरिटीज कौन सी हैं, देखो H प्लस CH प्लस, दोनों H प्लस ही ले लिए मैंने। H प्लस को मार्कोनिकोफ रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करके देख लेता हूँ और एक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, देखते तो हैं कंपाउंड क्या फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ और एक अपने अकॉर्डिंग। दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं उसकी, वो दोनों पॉसिबिलिटी अपन यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ जनरल चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि ये जो बॉन्ड ब्रेकेशन होगा वो ये बॉन्ड ब्रेकेशन इस साइड होगा, क्यों, क्योंकि मैथिल ग्रुप जो है वो आपका प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। जब प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो गया, और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस साइड होगा, इस साइड। मींस ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सब इस साइड जा रहे हैं, और जब इस साइड जा रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेकेशन भी इस साइड ही होगा। अब बॉन्ड ब्रेकेशन इस साइड होगा तो इस पर तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव पे बॉन्ड करके देख लिया तो क्या कंपाउंड फॉर्मेशन, वो अभी देखेंगे अपन। और ये हाइड्रोजन इस पर बॉन्डेड हो सकता है क्या, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको भी अपन यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता तो क्या होता। तो देखते हैं क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन को यहाँ पर बॉन्ड करके देखो आप, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये बना। अब बॉन्ड ब्रेकेशन आएगा तो इस पर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बैलेंस ही अनकम्प्लीट है, आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, इसकी बैलेंस ही पूरी हो गई हाइड्रोजन जोड़ने से, लेकिन इसकी बैलेंस ही अनकम्प्लीट रही। इस कंडीशन में क्या बनेगा, CH3CH2CH2 ये बनेगा, तो इस बार पॉजिटिव यहाँ रह जाएगा। इज इट क्लियर, ऑल डाउट क्लियर इन योर रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कहीं भी कोई स्पीड नहीं है, कहीं भी कोई ऐसे डाउट नहीं है आपके कि जो आपको बताएं कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है आपके लिए, क्लियर। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकेशन इस साइड हुआ, बॉन्ड ब्रेकेशन ने एक बार H हमने यहाँ पे बॉन्डेड करके देख लिया, एक बार H को हमने यहाँ बॉन्डेड करके देख लिया। अब दोनों प्रायोरिटीज़ को अपन कंपेरिवेट करें, कंपेरिजन स्टडी करें, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है वो नियरेस्ट टू कार्बन से बॉन्डेड है, नियरेस्ट टू कार्बन से बॉन्डेड है, नहीं जब नियरेस्ट टू कार्बन से बॉन्डेड है तो वो हो गया आपका 2 डिग्री कार्बो कैटायन, क्या बन गया वो 2 डिग्री कार्बो कैटायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नियरेस्ट केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए ये हो गया 1 डिग्री कार्बो कैटायन। एक तो बना है 2 डिग्री कार्बो कैटायन, एक बना है 1 डिग्री कार्बो कैटायन। तब 2 डिग्री कार्बो कैटायन और 1 डिग्री कार्बो कैटायन फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो अब इसका कंपैरिजन स्टडी करेंगे कि कौन सा आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हम यदि यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें तो 2 डिग्री कार्बो कैटायन 1 डिग्री कार्बो कैटायन में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो यहाँ पर देख लेते हैं। कार्बो कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो कैटायन क्या है, 3rd degree कार्बोकैटाइन इज अ मोर स्टेबल कंपैरिजन टू 2 degree, 2 degree इज अ मोर स्टेबल कंपैरिजन टू 1 degree, 1 degree इज अ मोर स्टेबल मैथिल कार्बोकैटाइन, क्लियर। ऐसी सिचुएशन आपको नोटिस हो जाए
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो 2 डिग्री के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन हाइपर कॉन्जुकेशन से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं अकॉर्डिंग टू हाइवे कॉन्जुकेशन, उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा बनती है। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगी तो उसमें स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आ जाएगी, क्लियर। तो जिसके पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे 2 डिग्री की बात करूँ मैं, तो 2 डिग्री यहाँ पर देखो, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी है, तो 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि इस केस में कार्बोकेटाइन जिससे अटैच्ड है वो नियरेस्ट अल्फा होता है, और अल्फा होता है तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे इसको, इसके 2 ही हाइड्रोजन है। ये तो बीटा हो गए, लेकिन हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ तो 6 स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये 2 ही स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर पाएगा, क्लियर। तो इस कंडीशन में 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन है? 2 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुकेशन, किसके अकॉर्डिंग? हाइपर कॉन्जुकेशन, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुकेशन, ध्यान रखना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नॉन बर्न रेजोनेंस इसको कहते हैं। ये सब आपका 11th क्लास में है, 11th क्लास के टॉपिक यहाँ पर बहुत यूज होने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वेन एवर यू री स्टार्ट योर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिवाइज योर 11th क्लास टॉपिक्स, बिकॉज दिस इज यूजफुल इन योर 12th क्लास, क्लियर। देखो हाइपर कॉन्जुकेशन आ गया। अब हाइपर कॉन्जुकेशन आपको 12th में नहीं बताएगा कोई कि ये कैसे है, लेकिन ये बता दिया मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर, आप ये सब 11th क्लास में डिस्कस कर सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन इसके ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज द मोर स्टेबल कंपेरिजन टू 1 डिग्री, तो सेकेंडरी इज द मोर स्टेबल। हम बात कर रहे हैं केवल इसकी 1 डिग्री और 2 डिग्री की, और किसी की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल है, तो इस कंडीशन में आगे जो रिएक्शन में पार्ट लेगा वो कौन होगा? आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा। थर्ड स्टेप में कौन जाएगा? केवल सेकेंडरी, क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, CH3। तो ये कंपाउंड जो फॉर्मेशन हुआ, अब Cl रिमेनिंग रह रहा था, वो Cl माइनस यहाँ पे आएगा, और ये Cl इस H पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होकर क्या बना लेगा? CH3CHCl CH3, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। आप देख सकते हो हैलोजन जिससे बॉन्डेड है वो नियरेस्ट टू कार्बन से बॉन्डेड है, इसीलिए ये कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। क्यों हो गया? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन करता है। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देख लो, ये वाला फोटो और ये वाला फोटो बिल्कुल सेम है। जब दोनों फोटो सेम हैं मतलब हमारी मैकेनिज्म 100% सही है, हमारी अमेरिकन क्या है, 100% सही है, बिल्कुल कहीं भी मिस्टेक नहीं है इसमें। तो ये है आपका एल्किनों से, अनसिमेट्रिक एल्किनों से हाइड्रोजन हैलाइड्स का, वो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन। रीजन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स याद रखना, हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आएंगे, तो उन फैक्टर को आपको यहाँ पर याद रखना है। ये है आपकी फ्रॉम एल्किनों से अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। देख लो एक बार, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, वो है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। उसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्किन यूज होगी, 100% श्योर है। अनसिमेट्रिकल एल्किन यूज होने से हम कह सकते हैं कि वहां पर भी रिएक्शन होगी और एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होंगे, लेकिन उसमें कौन सी रिएक्शन होगी या कौन से कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे वो अपन अभी देखने वाले हैं। यदि आपको इसमें कोई क्यूरी हो, आपके कहीं भी कोई डाउट्स हैं, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। 11th के टॉपिक्स आप जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि जो भी आपको टाइम मिल रहा है उन टाइमों को यूज़ करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे प्रेशर क्रिएट करेगा, इसलिए उनको क्लियर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स क्लियर करें। और डाउट्स क्लियर कब होंगे? जब आप 11th के टॉपिकों को देखेंगे,
कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। वैसे सारी चीज़ें अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्लियर करें रफ। चल नाउ वी स्टार्ट एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, अब होगा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसको तो मैं रफ कर देता हूं। अनसिमेट्रिक एल्किल यूज करूंगा मैं बिल्कुल सेम मैनर में, ये सारी चीजें फिर से यूज करने वाला हूं, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी यहां पर। वो चीजें क्या होंगी वो आपको अभी सब कुछ पता चल जाएगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट्स है, ध्यान रखना। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ विद मैकेनिज्म। चलिए देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर देता हूँ इसको रफ करके, एंटी मार्कोनिकॉफ। ये है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ, हो गया, सस्ते में ही काम हो गया ना, इज इट क्लियर। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर ऑक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ का एक नेम और है पर ऑक्साइड इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड खरास इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड खरास इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ को अपन परोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं और खरास इफेक्ट भी बोल सकते हैं। रीजन क्या है, क्यों बोल रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे। वो सारी चीजें आपको, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। परोक्साइड इफेक्ट एंड खरास इफेक्ट। तो प्रोपीन की रिएक्शन कराएंगे हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन के या एंटी मार्कोनिक रूल्स के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोनिक ऑफ नेम क्यों है, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ के अपोजिट में है, इसलिए एंटी मार्कोनिक ऑफ यूज किया गया है। परोक्साइड इसमें यूज होगा एज ए कैटेलाइसिस वर्क करेगा, और खरास साइंटिस्ट ने यह सजेस्ट किया था इसलिए उसी के नेम पर यह यूज हो रहा है, खरास इफेक्ट। तो इस रिएक्शन के तीन नेम हो गए, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स, फिर आ गया आपका परोक्साइड इफेक्ट, थर्ड वन इज खरास इफेक्ट। यहां पर अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका अनसिमेट्रिकल एल्किन CH3CH2 की रिएक्शन HBr से कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएंगे लेकिन प्रेजेंस रहेगी पर ऑक्साइड। विदाउट पर ऑक्साइड रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, होगी तो फिर उसके मार्कोनिक ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग होगी फिर, क्लियर। ये आपका हो गया प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्किन, सिमेट्रिक एल्किन अनसिमेट्रिक, डाउट सारे क्लियर कर चुके हैं अपन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो अब रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी। मार्कोनिक ऑफ तो क्या था, व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद अनसिमेट्रिक एल्किन देन हैलोजन एटम अटैच टू लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम, वो मार्कोनिक ऑफ था। अब एंटी मार्कोनिक ऑफ है तो वेल नोन है, अपोजिट जाएगा। अच्छा अपोजिट जाएगा तो व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ध्यान रखना इसमें केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे उसका रीजन भी आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। Br हैलोजन एटम जो है, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्किन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड देन ब्रोमीन एटम अटैच टू मोर नंबर हाइड्रोजन कार्बन एटम। जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पर जाकर जुड़ेगा। पहले वाले में क्या हो रहा था, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पे जाके जुड़ रहा था। तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, और यहां पे क्या आ गया आपका CH2। हाइड्रोजन यहां जाके जुड़ गया, Br यहां जाके जुड़ गया, क्लियर। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या बनाए, Br इससे अटैच्ड है और ये केवल एक से अटैच्ड है, इसलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही फॉर्मेशन हुआ है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही फॉर्मेशन हुआ है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हैलोजन एटम या एल्किल बनेंगे वो 1 डिग्री बनेंगे।
तो डिफरेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ये आपको खुद करने हैं मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग और एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस इसके अंदर यूज हुए हैं। क्लियर? अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज, इसकी मैकेनिज्म होगी वो होगी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसकी तो कौन सी हो रही थी? आयनिक। इसकी होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होती है वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो आपका परोक्साइड यूज हुआ है उस परोक्साइड को यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। परोक्साइड यूज हुआ है अपना, और परोक्साइड यूज हुआ है तो उस परोक्साइड को अपन एक बार नोटिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट परोक्साइड ले लेते हैं। परोक्साइड है C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये परोक्साइड टेम्परेचर देके इसको ब्रेकेशन करेंगे, क्या फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं अभी। इसमें बात करते हैं परोक्साइड क्यों है, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है परोक्साइड की बॉन्डिंग है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर -1 ऑक्सीलेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, जैसे हाइड्रोजन परोक्साइड होता है वैसे ही है। हाइड्रोजन परोक्साइड की स्ट्रक्चर क्या होती है? इस टाइप की होती है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये परोक्साइड बॉन्ड होता है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, ऐसे सिचुएशन है। तो ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो परोक्साइड बॉन्ड है। तो इसका जब ब्रेकेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने से क्या फॉर्मेशन होगा? शिफ्ट होने से क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो देख लेते हैं। एक तो बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ये तो बना। अब इसको आप अलग से एक और लिखना चाहें, क्योंकि C6H5C डबल बॉन्ड O एक फ्री रेडिकल ये बन गया, C6H5C डबल बॉन्ड O एक फ्री रेडिकल ये बन गया, तो दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय हम आगे दो यूज़ कर दें हैं तो कोई इशू है क्या? कोई इशू नहीं है, बात एक ही। तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल। इसका नेम यहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ, इसका नेम है बेंजोइल परऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? बेंजोइल परऑक्साइड। और ये जो फ्री रेडिकल बनाए हैं ये क्या हो गया? बेंजोइल फ्री रेडिकल। बेंजोइल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? एवरीथिंग इज ऑल डाउट्स क्लियर इन योर ऑन योर बोर्ड? सब चीज क्लियर हो रही है ना? स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या होता है, इसमें से एक परोक्साइड अपन यूज कर लेते हैं। दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हुए फ्री रेडिकल के, बेंजोइल परोक्साइड, बेंजोइल फ्री रेडिकल के, तो दोनों को यूज करने की कंपैरिजन हम एक यूज करते हैं। तो एक यूज कर रहे हैं, तो एक यूज करेंगे तो क्या फॉर्म, क्या यूज आगे क्या बनेगा? C6H5C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, और ये HBr से रिएक्ट करता है। HBr से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा वो देखें आप। HBr का भी बॉन्ड ब्रेकेशन जो होगा वो कैसे होगा? एक आधा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो H फ्री रेडिकल बनेगा, Br फ्री रेडिकल भी बनेगा। तो H फ्री रेडिकल इससे रिएक्ट कर जाएगा और Br फ्री रेडिकल रिमेनिंग पार्ट में सेकेंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रह जाएगा आपका। तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। C6H5C डबल बॉन्ड O O H, एक तो ये बन गया और एक बन जाएगा आपका Br फ्री रेडिकल। क्लियर? एक तो बन गया बेंजीनोइक एसिड C6H5C डबल O H बन गया, क्लियर, और एक Br फ्री रेडिकल बन गया। अब इस Br फ्री रेडिकल जो है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की खास बात यह है जब तक इसके अंदर फ्री रेडिकल बनते रहेंगे तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। जब फ्री रेडिकल बनना रुक गए तब रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है ना? तो इस पे आपको ध्यान रखना है।
तो वी आर फ्री रेडिकल है। आगे वी आर फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा वो देख लेते हैं। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या है, प्रोपीन से रिएक्शन करेगा और प्रोपीन में मींस हमने यूज़ किया है अनसिमेट्रिकल एल्कीन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स CH2 और ये BR से रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी BR दो प्रायोरिटीज़ जैसे उसके लिए लिखी थी ऐसे ही इसके लिए भी लिख लेते हैं, दोनों प्रायोरिटीज़ लिख लेते हैं, दोनों प्रायोरिटी से क्या बनता है वो भी देख लेंगे। एक बार BR इस पे जोड़ के देख लो, एक बार BR इस पे ऐड करके देख लो। इसका बॉन्ड ब्रेकेशन करें तो एक इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, आधा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, क्या फॉर्मेशन होगा, CH3CH2Br। इस पे जो फ्री रेडिकल आया उस रेडिकल के साथ इसने रिएक्शन कर ली, रिएक्शन करके ये बॉन्ड बना दिया, BR इस पे जाके जुड़ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इस पे रह गया ना, तो BR फ्री रेडिकल रह गया एज इट इज। अब BR फ्री रेडिकल जब हमने एक बार इस पे जोड़ के देख लिया तो एक बार इस पे भी बॉन्ड करके देख लेते हैं क्या बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ पे हो गया BR। दोनों प्रायोरिटीज़ ही हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली है, दोनों प्रायोरिटीज़ को ही आपको यूज़ करना है जिससे आपको पता रहे कि हमने एक प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही ये प्रोडक्ट क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ तो वो भी हो सकती है ना सेकेंड भी, तो इस पॉसिबिलिटीज़ को अपन यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। अब ये जो बने हैं फ्री रेडिकल इनको एक बार देखिए आप कि ये कौन से हैं, पहचानिए इनको, आइडेंटिफाई द फ्री रेडिकल। जब इनको आप पहचानोगे तो कुछ बहुत कुछ निकल के आएगा, देखो कैसे, जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, वो नियरेस्ट टू कार्बन से बॉन्डेड है, नियरेस्ट टू कार्बन से बॉन्डेड है नहीं है, और जब नियरेस्ट टू कार्बन से बॉन्डेड है तो ये कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो नियरेस्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है, वो केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इट इज कॉल्ड 1 डिग्री फ्री रेडिकल। एक तो बनाए 2 डिग्री फ्री रेडिकल, एक बनाए 1 डिग्री फ्री रेडिकल। जब ऐसी कंडीशन आपको नोटिस हो तो वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुकेशन 3 डिग्री इज द मोर स्टेबल कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज द मोर स्टेबल कंपैरिजन टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। क्लियर, तो मैं यहाँ पर एक बार स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बता दूँ कि स्टेबिलिटी ऑर्डर किस प्रकार अपन अरेंज करते हैं फ्री रेडिकल का, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, क्लियर, जब स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल आ रहा है तो वो कैसा है वो एक बार देख लो आप, वो क्या है, वो ये है कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल कंपैरिजन टू 2 डिग्री, 2 डिग्री इज अ मोर स्टेबल कंपैरिजन टू 1 डिग्री, 1 डिग्री इज अ मोर स्टेबल कंपैरिजन टू मेथिल फ्री रेडिकल। ऐसी सिचुएशन आपको नोटिस हो रही है, ऐसी सिचुएशन आपको यहाँ पर नोटिस होगी, तो देखो 2 डिग्री यहाँ बन रहा है तो 2 डिग्री इज अ मोर स्टेबल कंपैरिजन टू 1 डिग्री, रीजन सेम एज इट इज कार्बोकेटाइन, ऑर्डर सेम अकॉर्डिंग टू कार्बोकेटाइन, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुकेशन, ये भी किसके अकॉर्डिंग हुआ है, हाइपर कॉन्जुकेशन, किसके अकॉर्डिंग, हाइपर कॉन्जुकेशन के अकॉर्डिंग ही हुई है, क्योंकि जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो उतने ही ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा फॉर्मेशन करता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। देखो कार्बोकेट रेडिकल फ्री रेडिकल का नोटिस करो, जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो नियरेस्ट इस दोनों कार्बन से अटैच्ड है, तो
तो इसका ये अल्फा हो गया, इसका ये अल्फा हो गया, फर्स्ट कार्बन अल्फा होता है, तो इस पे तीन हाइड्रोजन, इस पे दो हाइड्रोजन, पांच अल्फा हाइड्रोजन है इस पर। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये अटैच केवल इससे ही है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो रेडिकल वाला ही हो गया अल्फा हाइड्रोजन, एक सिंगल अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुकेशन, थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल इज अ मोर स्टेबल कंपेरिजन टू डिग्री, टू डिग्री इज अ मोर स्टेबल वन डिग्री और मैथिल। हम थ्री डिग्री को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि टू डिग्री प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है हमारा। अब टू डिग्री वाला आगे पार्ट करेगा और टू डिग्री वाला आगे यहाँ पर यूज होगा, तो वो कैसे यूज होगा वो अपन देख लेते हैं एक बार, टू डिग्री वाला किस प्रकार यूज हो रहा है। देखो स्टेप फोर में जा रहे हैं अपन, अब वी एंटर स्टेप फोर। स्टेप फोर क्या है? स्टेप फोर में सेकेंडरी रेडिकल को अपन यूज कर रहे हैं CH3CH2Br, ये यूज कर रहे हैं अपन। तो इस पे क्या है पॉइंट? तो ये है तो सही आपका टू डिग्री फ्री रेडिकल। अब टू डिग्री फ्री रेडिकल है तो वेल ऑन है, इस पर रिएक्शन आगे होगी, रिएक्शन आगे होगी, तो रिएक्शन कैसे होगी आगे वो देखो, कैसे देखो फ्री रेडिकल की बात करें, हमने H किसी को उधार दिया था, ये इस ये हमारा H है, एच बी आर का H किसको दे रखा है हमने? बेंजोइल परोक्साइड वाले रेडिकल को, फ्री रेडिकल को उसको दे रखा है। अब हमको क्या है उसकी नीड है, जब हाइड्रोजन की हमको आवश्यकता पड़ी तो हम इसे H लेंगे कि भाई साहब कुछ टाइम के लिए आपको दिया गया था उसको वापस कर दो, इससे हाइड्रोजन अब वापस लेना है अपन को। हाइड्रोजन इसका थोड़ी ना है, ये हाइड्रोजन तो हमारा था, HBr का था, तो HBr यहाँ पे यूज़ करेगा था हमने, तो ये कुछ इस टाइप से रिएक्शन करेगा, H यहाँ पे रिएक्शन करेगा और इसको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ C6H5। क्लियर? ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट जैसा ही है ना, ये इसमें बॉन्ड ब्रेकेशन जो होगा वो बॉन्ड ब्रेकेशन कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। इस कंडीशन में H फ्री रेडिकल जो बनेगा वो H फ्री रेडिकल इससे रिएक्शन कर जाएगा और ये फ्री रेडिकल अलग से मिल जाएगा, तो रिएक्शन आगे कैसे जाएगी, रिएक्शन जाएगी CH3CH2CH2Br और कंपोनेंट जो बनेगा वो क्या है C6H5C(O) फ्री रेडिकल, ये कंपोनेंट बना। अब हमने इस H इस कंपार्टमेंट के साथ इस H को बॉन्डेड करा दिया, इसका इलेक्ट्रॉन लेके आया, इससे दोनों से जुड़ा और यहाँ पे बॉन्डेड हो गया। क्लियर? अब Br जिससे जुड़ा हुआ है वो निकल इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कौन सा हो गया, वन डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। क्या हो गया ये? वन डिग्री एल्किल हैलाइड। ये वाला फोटो सेम ही है। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ, व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देन ब्रोमीन एटम अटैच टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम, देन फॉर्म वन डिग्री एल्किल हैलाइड, वन डिग्री एल्किल ब्रोमाइड, ये बन गया आपका। तो लास्ट प्रोडक्ट यही है, लास्ट प्रोडक्ट आपका यही है, सेम एज इट इज। क्लियर? ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी मैकेनिज्म है। अब बात आती है कि सर ये क्या करें, ये क्या रह गया अकेला बेचारा? नहीं, ये कुंभ के मेले में बिछड़े हुए करण अर्जुन है, करण ये रहा, अर्जुन यहाँ पे छोड़ के आए थे अपन। कैसे? क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसी तो है, यहाँ दो बने थे, एक का ही तो यूज़ किया था अपन ने यहाँ पर, तो एक भैया तो यहीं रह गया, उस भाई की रिएक्शन इस भाई से करा दी, तो दोनों भाई रिएक्शन करके क्या बना लेंगे फिर से, बेंजोइल परोक्साइड। और बेंजोइल परोक्साइड क्या है, यहाँ पर एक कैटालिसिस वर्क कर रहा है जो रिएक्शन के लास्ट में एज इट इज सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन में लास्ट में आपको गेन हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाला कंपोनेंट और यहाँ पे जो रिमेनिंग प्री रेडिकल कंपोनेंट है वो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, बेंजोइल परोक्साइड फॉर्मेशन कर लेंगे जो रिएक्शन को कंप्लीट करता है, कंप्लीटली आपका। ठीक है ना?
अब बात आती है इम्पोर्टेंट फैक्टर की कि इसके अंदर हमने केवल HBr का ही यूज़ किया है। ध्यान रखना, इस रिएक्शन में केवल HBr ही यूज़ होगा, HCl यूज़ नहीं होगा, HI यूज़ नहीं होगा, HF भी यूज़ नहीं होगा। उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि हम यदि ऑर्डर लिखें HF, HCl, HBr, HI, तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल एटम साइज इंक्रीजेस। फ्लोरीन से साइज बढ़ा है क्लोरीन का, क्लोरीन से साइज बढ़ा है ब्रोमीन का, ब्रोमीन से साइज बढ़ा है आयोडीन का। इसीलिए HF और HCl इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज बहुत ज़्यादा है, मतलब HF के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, HCl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी। जब ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम कह सकते हैं कि इसको यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि साइज है दोनों का छोटा कंपैरिजन टू ब्रोमीन, तो साइज छोटे होने से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा, एलिमेंट पास पास रहेंगे तो उनको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी अमाउंट ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, केवल HBr। अब आप कहोगे सर इन दोनों का तो रीज़न चलो मान लिया इससे छोटा है इसलिए हो गया, लेकिन HI तो बड़ा है। हाँ बिल्कुल सही है, HI ब्रोमीन से बड़ा है, तो HI ब्रोमीन से बड़ा होने के कारण, साइज बहुत ज़्यादा होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, तो डिस्टेंस हो गई ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई कम। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो गई तो आयोडीन का जो फ्री रेडिकल बनेगा ये इजी वे में ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। ये दोनों इजी वे में ब्रेक नहीं हो रहे थे, ये इजी वे में ब्रेक हो जाएगा इस कंडीशन में जब आयोडीन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, I2 फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब I2 फॉर्मेशन हो गया, उस I2 का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं एक ही कंपोनेंट बचता है, वो है हमारा सबका प्यारा HBr फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केवल और केवल क्या यूज़ होगा, HBr यूज़ होगा। ये तीनों कैंसिल हो चुके हैं, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है इसलिए, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा वो केवल और केवल HBr के अकॉर्डिंग बनेगा, मतलब सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोमाइड ही फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी बनाना नहीं है क्योंकि एंटी मार्कोनिकोफ रूल्स के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड ही बनेगा। ब्रोमाइड क्यों यूज हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा। क्लियर, ये आपकी हो गई मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल्स के अकॉर्डिंग, और ये आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिल के प्रिपेशन मेथड चल रहे हैं, जिसमें से हेलो एल्केन के प्रिपेशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर, नंबर वाइज सबकी स्टडी की है। अब इस बेस पे एक दो रिएक्शन मैं आपको दे देता हूँ, उन रिएक्शनों को आप अपने घर पे कंप्लीट करें। देखो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है आपको, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ये आपकी रिएक्शंस हैं जो आपको कंप्लीट करनी है एट योर होम। इसमें एक चीज़ और कर दें, इस जगह HBr ही यूज़ कर देते हैं अपन, और यहाँ पे लिख देते हैं परोक्साइड। ये ठीक है ना, ये आपके प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गए हैं सारे हेलो एल्केन के। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्रूशियल टाइम।